नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में 10 मुहर्रम को शिया सोगवारों ने या हुसैन की सदाओं के साथ इमाम हुसैन की याद में जंजीरों का मातम कर अपने आप को लहूलुहान किया। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसार साथियों की शहादत के गम में मुहर्रम मनाया जाता है। 10वीं मुहर्रम पर शिया सोगवारों ने ताजियादारी के साथ मातमी जुलूस निकाले। हजरत इमाम हुसैन की अपने नाना के दीन और इंसानियत को बचाने के लिए दी गई कुर्बानी के साथ ही शहीद करबला पर हुई जुल्म जाति को याद कर जमकर आंसू बहाए गए। यौम आशुरा के मौके पर शहर में मजलिसों का सिलसिला बुधवार को सवेरे से ही शुरू हो गया था। इमाम बार गाहों में जगह जगह जिक्र हुसैन हुआ। इस दौरान अजादारों की आंखें नम हो गई। बड़ी मजलिस मोती महल इमाम बार गाह में हुई। इससे पहले सवेरे 7:30 बजे रोजा आशुरा के आमाल नदी स्थित करबला पर मौलाना फतेह हैदर जैदी ने अंजाम दिए। मजलिस में मौलाना ने तकरीर की और कहा कि इमाम हुसैन ने अपने नाना के दीन की खातिर अपने 72 जानिसारों के साथ करबला में जालिम यजीद के लश्कर का मुकाबला करते हुए शहादत दी थी। इंसानियत को बचाने के लिए वो कुर्बान हो गए, सिर कटने तक सच का साथ दिया। मौलाना ने कहा कि आज इमाम हुसैन और उनके 72 साहिबों की कुर्बानी की याद में आसमां भी रो रहा है। यजीद का नाम लेवा आज कोई नहीं, लेकिन सच पर कुर्बान होने वाले इमाम हुसैन का परचम करबला के दिन से आज तक लहरा रहा है और यौमे कयामत तक लहराता रहेगा। आज 10 मुहर्रम है। आज से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जुल्म के खिलाफ अपनी कुर्बानी दी थी और उस कुर्बानी को याद करने के लिए आज 10 मुहर्रम के दिन हमारे यहाँ ये मुहर्रम रोज़ आशुरा मनाया जाता है। इस रोज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जालिम यजीद के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी और अपने 3 दिन यजीद ने 3 दिन तक हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार वालों को, जिनमें 6 महीने का बच्चा भी था, उनको शहीद किया। उनकी याद में आज ये मुहर्रम मनाया जा रहा है। ये सभी मुजफ्फरनगर के सभी इमाम बाड़ों से जुलूस निकलता है और ये सभी इमाम बाड़ जो होता हुआ शामली रोड से नदी बाहर आ जाता है करबला। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।